स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे मेरे कलेक्शन में से 25 पैसे के सिक्कों के बारे में। स्वतंत्रता के पश्चात RBI ने अभी तक 9 तरह के 25 पैसे के सिक्कों को जारी किया है, जिनमें से मेरे पास में अभी 7 तरह के सिक्के हैं। मैं आपको उनकी जानकारी दूंगा, तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला सिक्का डेसिमलाइजेशन जो 1957 में हुआ था उसके पूर्व इशू किया गया था। ये सिक्का 1950 से लेकर 1956 तक इशू किया जाता रहा, और ये सिक्का निकल का बना हुआ था। वेट में 2.73 ग्राम्स का था। डायमीटर इसकी 19 mm की थी और थिकनेस 1.53 mm की थी। इस सिक्के के पीछे में अशोक स्तंभ अंकित था और इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ था, और सामने में एक चौथाई रुपया यानी 4 आना लिखा हुआ था। हमारा दूसरा सिक्का स्टैंडर्ड सर्कुलेशन कॉइन है। ये 1964 से लेके 1972 तक इशू किया जाता रहा। यह सिक्का निकल का बना हुआ था। वेट में 2.55 ग्राम्स का था। डायमीटर 19 mm की थी और थिकनेस 1.44 mm की थी। पीछे में अशोक स्तंभ बना हुआ था, सामने में 25 पैसे यानी रुपये का चौथा भाग लिखा हुआ था। हमारा तीसरा सिक्का रूरल वुमेन्स एडवांसमेंट के नाम से 1980 में इशू किया गया था। ये कॉपर निकल का बना हुआ सिक्का, वेट में 2.4 ग्राम्स का था। डायमीटर 19 mm की थी और थिकनेस इसकी भी 1.4 mm की थी। अगला सिक्का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को समर्पित था। इस सिक्के के पीछे में वर्ल्ड फूड डे लिखा हुआ था। ये सिक्का 1981 में इशू किया गया था। ये कॉपर निकल का बना हुआ सिक्का, वेट में 2.5 ग्राम्स का था। डायमीटर 19.2 mm और थिकनेस 1.44 mm की थी। अगला सिक्का नवे एशियन गेम्स यानी 9th एशियन गेम्स को समर्पित था। ये 1982 में इशू किया गया था। यह कॉपर निकल का बना हुआ सिक्का, वेट में 2.6 ग्राम्स का था। डायमीटर 19.2 mm और थिकनेस 1.24 mm की थी। अगला सिक्का 1985 में इशू किया गया, फॉरेस्ट्री फॉर डेवलपमेंट के नाम से जाना गया। ये कॉपर निकल का सिक्का, वेट में 2.5 ग्राम्स का था। डायमीटर इसकी 19 mm की थी और थिकनेस 1.24 mm की थी। हमारा आखिरी सिक्का 25 पैसे में से एकमात्र स्टेनलेस स्टील का बना हुआ सिक्का था। ये 1988 से लेकर 2002 यानी 2002 तक इशू किया गया। ये स्टैंडर्ड सर्कुलेशन कॉइन था। पीछे में एक राइनोसोरस की तस्वीर बनी हुई थी। ये सिक्का वेट में 2.83 ग्राम्स का था। डायमीटर इसकी 19 mm की थी और थिकनेस 1.55 mm की थी। यही सिक्का मेरे पास एक मिसप्रिंटेड वर्जन में भी है। ये सिक्कों की प्रिंट करते समय अलाइनमेंट के गलत हो जाने पे ऐसे सिक्के इश्यू होते हैं, और शायद ऐसे सिक्के कभी कभी गलतियों के सहारे क्वालिटी चेक को भी नज़रअंदाज करके सर्कुलेशन में आ जाया करती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो।